आप देख रहे हैं RDS न्यूज लाइव, खबरें जरूर। आमंत्रित करते हैं इस विशाल संकल्प रैली में अपने भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बार जोरदार तालियों से हम बिहार की वैभवशाली धरती पर करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मेरे भाषण से पहले मैं तीन बार भारत माता की जय का जयकारा बुलवाऊंगा और आप सबसे मेरा आग्रह है, मंच से भी मेरा आग्रह है कि पूरी ताकत से दोनों मुट्ठी बंद करके जब मैं बुलवाऊंगा तब तीन बार भारत माता की जय बोलना है। पराक्रमी भारत के लिए भारत माता की, विजयी भारत के लिए भारत माता की, वीर जवानों के लिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे मित्र भाई नीतीश कुमार जी, मंत्री परिषद में मेरे वरिष्ठ साथी रामविलास पासवान जी, बिहार के कर्मठ उप मुख्यमंत्री भाई सुशील मोदी जी, केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य, सांसदगण, बिहार सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, भाजपा, जदयू, लोजपा, उसके सभी वरिष्ठ नेतागण, बिहार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, महान प्रदेश बिहार और एकर महान जनता के हम प्रणाम करते हैं। भाइयों का मैं वंदन करता हूं। मैं शहीद पिंटू कुमार सिंह, पुलवामा में शहीद संजय सिन्हा और शहीद रत्न ठाकुर सहित बिहार के उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र रक्षा में अपने प्राण न्योछावर किए हैं। शहीदों के परिवारजनों के साथ पूरा देश खड़ा है, उनके त्याग को नमन कर रहा है। मैं बिहार की ही संतान श्री बिंदेश्वर पाठक जी और उनकी संस्था को गांधी शांति पुरस्कार के लिए एक बार फिर बधाई देता हूं। आपने स्वच्छता के प्रति बिहार के ऐतिहासिक आग्रह को चंपारण से निकले गांधी जी के स्वच्छाग्रह के प्रयोग को आगे बढ़ाने का काम किया है और आज अभी मुख्यमंत्री जी ने 2 अक्टूबर तक सिद्धि हासिल करने की जो घोषणा की है, मैं आदरपूर्वक उनका अभिनंदन करता हूं और बिहार की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। साथियों, और जीवन बीमा का कवच दिया लगभग 7 करोड़ गरीब बहनों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया है, 3 करोड़ से अधिक मध्यम वर्ग के साथियों को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर निकाल दिया, मुक्ति दे दी, 1.5 करोड़ से अधिक गरीबों को अपना पक्का घर दे दिया, 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को अटल पेंशन से जोड़ा है। इसी तरह सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण भी NDA की ही सरकार ने दिया है और ये काम भी
बाकी वर्गों के हक को छेड़े बिना किया गया है। साथियों, ये जितनी भी उपलब्धियां अब तक मैंने गिनाई है, ये तभी संभव हो पाया है क्योंकि 2014 में आपने एक मजबूत एनडीए को जनादेश दिया। साथियों, 2014 से लेकर अब तक का समय देश की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का था। ...2019 तक का समय जरूरतों को पूरा करने का था और 2019 के बाद आगे का समय देश को 21वीं सदी में नई ऊंचाई पर पहुंचाने का है। बीते 5 वर्षों में नए भारत की एक मजबूत नींव एनडीए ने मिलकर तैयार की है। अब समय आ गया है इस मजबूत नींव पर सशक्त, समृद्ध नए भारत का निर्माण हो। भाइयों और बहनों, देश में अगर महामिलावट वाली सरकार रहती तो ना फैसले होते और ना ही गरीबों का कल्याण होता। इन लोगों की प्रवृत्ति अपना विकास करने की है, देश का विकास करने की नहीं है। मेरे बिहार के भाइयों बहनों और मेरे देश के भाइयों बहनों, जरा याद कीजिए, जरा याद कीजिए, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक से बढ़कर एक